हुंडई इंस्टा एव 10 सेकंड में 100 केएम की रफ्तार, दमदार फीचर्स वाली ये गाड़ी कब होगी लॉन्च? इंटीरियर लेआउट अन्य हुंडई मॉडल से बहुत अलग है। अंदर आपको एक रेट्रो टच मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इन्फोटेनमेंट टच स्क्रीन के लिए ट्विन 10.25 इंच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर आदि मिलता है। कोरियाई ऑटोमेकर हुंडई ने हुंडई इंस्टा ईवी माइक्रो एसयूवी से पर्दा उठा दिया है। इंस्टा हुंडई की एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। ये गाड़ी पॉपुलर कैस्पर सब कॉम्पैक्ट माइक्रो एसयूवी का एक तरह से मॉडिफाइड वर्जन है। ऑल इलेक्ट्रिक इंस्टा में 3.5 मीटर लंबे आइस कैस्पर के साथ अधिकांश अंडरपिनिंग साझा की गई है। कंपनी ने कैस्पर के प्लेटफॉर्म को 230 मिलीमीटर तक बढ़ाया है, जिसमें से 180 मिलीमीटर इसके व्हीलबेस में जोड़ा गया है। डिजाइन के मामले में भी ये गाड़ी कैस्पर के जैसी ही लगती है। डायमेंशंस की बात करें तो इंस्टा ईवी की लंबाई 3825 मिलीमीटर, चौड़ाई 1610 मिलीमीटर और ऊंचाई 1575 मिलीमीटर है और इसका व्हीलबेस 2580 मिलीमीटर है। इसमें 280 लीटर का बूट स्पेस है और इसे फोल्डिंग रियर सीटों के साथ 351 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। साइड में इंस्टा में 4 स्पोक एलॉय व्हील के साथ चंकी व्हील आर्च है। अन्य हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल, रूफ रेल और क्रीज के साथ कई कट शामिल हैं जो इसे शार्प लुक देते हैं। इंटीरियर और फीचर्स। इंटीरियर लेआउट अन्य हुंडई मॉडल से बहुत अलग है। अंदर आपको एक रेट्रो टच मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इन्फोटेनमेंट टच स्क्रीन के लिए ट्विन 10.25 इंच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, स्टीयरिंग कॉलम माउंटेड ड्राइव मोड सेलेक्टर के साथ 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री सराउंड कैमरा, एम्बियंट लाइटिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, सनरूफ, एडिस सूट और बहुत कुछ मिलता है। बैटरी और मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी की बात करें तो इंस्टा को 2 बैटरी पैक विकल्पों और के साथ पेश किया जाएगा। दोनों में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर होगी जो छोटे पैक के लिए 95 भप और बड़े बैटरी पैक के लिए 113 भप 147 न्यूटन मीटर टॉर्क देगी। दोनों बैटरी पैक निकेल कोबाल्ट मैंगनीज NCM केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं और सभी इंस्टा में हीट पंप और 85 किलोवाट्स DC चार्जिंग कैपेसिटी मिलती है। टॉप स्पीड और रेंज वाले गाड़ी की रेंज करीब 300 किलोमीटर है। ये गाड़ी मात्र 11 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगी। इसकी टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। बड़े वर्जन की रेंज 350 किलोमीटर है। ये 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 10.6 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंपनी ने अभी तक भारत में लॉन्च के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। उम्मीद है कि हुंडई इंडिया क्रेटा ईवी के बाद सिट्रोन EC3 और पंच ईवी को टक्कर देने के लिए इसे उतार सकती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।